में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्लाज्मा बैंक शुरू कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब कोरोना से ठीक हुए लोग प्लाज्मा दान करेंगे। लोग अपना प्लाज्मा दान करें। ये प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब लोग आगे आके प्लाज्मा डोनेट करेंगे। अगर प्लाज्मा डोनेट नहीं करेंगे तो आगे प्लाज्मा दिया कैसे जा सकेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। ऐसे लोग जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए हों, अब नेगेटिव हो गए हों, वो लोग जिन्हें ठीक हुए 14 दिन हो गए हों और वो स्वस्थ महसूस कर रहे हों और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उत्साहित हों, उनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। ये लोग जो प्लाज्मा नहीं दे सकते, जिनका वजन 50 किलो से कम हो, वो महिलाएं जो कभी भी प्रेग्नेंट रही हों या अभी प्रेग्नेंट हो, डायबिटीज के मरीज जो इंसुलिन ले रहे हों और जिनका ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो, ऐसे मरीज जिनको बेकाबू डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो, और ऐसे व्यक्ति जो कैंसर से ठीक हुए हों, जिन लोगों को गुर्दे, हृदय, फेफड़े या लीवर की पुरानी बीमारी हो। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। अगर किसी को प्लाज्मा दान करना हो तो वो सरकार को बताएं। उस व्यक्ति को ILBS हॉस्पिटल पहुंचाने का सारा जिम्मा सरकार उठाएगी। इसके लिए एक दो दिन में फोन नंबर जारी कर दिए जाएंगे।